यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। इस वीडियो में हम सीखेंगे यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। शारीरिक आकृति में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है दीदी। बच्चों, कल मैंने तुम सभी को यौवनारंभ के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताया था ना? याद है या भूल गए? याद है दीदी, आपने कल लंबाई में वृद्धि के बारे में हमें समझाया था। आज आप हमें बाकी के परिवर्तनों के विषय में भी बताएंगी ना? हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? जी दीदी। तो बच्चों, लंबाई में वृद्धि के साथ साथ यौवनारंभ में शारीरिक आकृति और स्वर में भी परिवर्तन आता है। वो कैसे दीदी? अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या छोटी कक्षाओं के छात्र भी तुम लोगों की तरह ही दिखाई देते हैं? नहीं दीदी, उनकी लंबाई और चौड़ाई हमसे कम होती है। हाँ दीदी, और हम लोग उनसे ज्यादा हट्टे कट्टे और मजबूत दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा खोजी। यौवनारंभ में वृद्धि के कारण हमारे शरीर का आकार भी बदलता है। जैसे लड़कों में सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं और उनकी पेशियां अधिक स्पष्ट व गठी हुई दिखाई देती हैं, जबकि लड़कियों में कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। ओ, दीदी, इसका मतलब है कि किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं? हाँ, सही समझी सवाली। लड़कों में स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में वृद्धि के कारण उनका स्वर भी भारी हो जाता है। स्वर यंत्र, ये क्या होता है दीदी? बताती हूँ। खोजी, जरा यहाँ आओ और ऊपर की ओर देखो। देखो बच्चों, गले का ये जो भाग है ना, यही होता है स्वर यंत्र। और ये जो सामने उभार दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कंठ मणि यानी एडम्स एप्पल। लड़कियों में ये छोटा होता है, इसीलिए लड़कियों का स्वर सामान्यतः उच्चता रत्व वाला, जबकि लड़कों का स्वर भारी होता है। जानते हो, कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है, परंतु कुछ समय बाद ये स्वतः ही सामान्य हो जाती है। ओ अच्छा, इसीलिए मेरे बड़े भाई की आवाज भी आजकल फटी फटी लगती है ना दीदी? दीदी, और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बच्चों, इस उम्र में शरीर में स्वेद यानी पसीना एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण कई किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहांसे निकल आते हैं। जानते हो बच्चों, ये ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में ऐसा नहीं होता। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये क्या होती हैं दीदी? बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स शरीर में मौजूद वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं, और इन हार्मोन्स को सीधे रक्त धारा में निर्मोचित करती हैं। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं।
इनके बारे में अलग अलग कक्षाओं में तुम लोग विस्तार से पढ़ोगे। दीदी और परिवर्तनों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, इसी अवधि में जनन अंग भी विकसित होते हैं। जैसे लड़कों में जननांग वृषण व शिश्नपूर्ण विकसित हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है, जबकि लड़कियों में अंडाशय विकसित होकर अंडाणुओं का निर्मोचन आरंभ कर देते हैं। समझे बच्चों? जी दीदी। जानते हो बच्चों, किशोरावस्था में शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ हम मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं। वो कैसे दीदी, विस्तार से बताइए ना। बच्चों, इस अवधि में हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। इस उम्र में किसी विषय में निर्णय लेने के लिए किशोर अधिक समय तक सोच विचार करते हैं। ऐसा क्यों होता है दीदी? क्योंकि वे अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। हालांकि इस समय में किशोर कभी कभी इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका कोई कारण नहीं होता। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये परिवर्तन प्राकृतिक रूप से शरीर में वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें किशोरावस्था के दौरान सहज महसूस करना चाहिए। दीदी, हम सब भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा सवाली। तो बच्चों, आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। बाकी के परिवर्तनों के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे, ठीक है? जी दीदी। तो चलो, अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सोच समझ कर उनका उत्तर देना। सबसे पहले ये बताओ कि किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज में भारीपन तथा लड़कियों की आवाज में उच्चतारत्व क्यों होता है? दीदी, क्योंकि लड़कों में एडम्स एप्पल यानी कंठमणि अधिक वृद्धि करता है, जबकि लड़कियों में ये छोटा होता है, इसीलिए है ना दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अच्छा आप बताओ कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? दीदी, अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को सीधे रक्त धारा में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।